सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम यहाँ पर डिस्काउंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है आज, डिस्काउंट फिनिश हो जाएगा। और इसकी डिस्काउंट के जो क्वेश्चंस हैं इनकी आज पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उस पीडीएफ को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आज हम दो टाइप को कवर करेंगे और उसके बाद चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा दो टाइप कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो लाभ उसे कितने परसेंट का होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहा है। जब 10% का बट्टा दे रहा है तो इसका मतलब है वस्तु जो सेल करेगा वो 90% पर सेल करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और देने पर एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट जो होता है इसका मतलब 20% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस 120% होगा। ये लो, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर फेस टू फेस का नियम लगाया, यानी सेलिंग प्राइस के सामने हम लोग सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ठीक है। अब आगे कहता है यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो 20% बट्टे पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो 80% होगा, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना 90 इक्वलेंट है 120 के, 90 बराबर है 120 के, तो 80 बराबर किसके होगा। और इसमें सीधा सीधा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे विद्यार्थियों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 120 गुना में 80 और बटे में बच्चों 90, तो 30 तिया 30 चौका, ये आ गया आपका 320 बटे 3, ये आ गया 106 सही 2/3% बच्चों। अब एक बात मैं आपको कुछ एग्जांपल बोल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी अच्छी मतलब समझ में नहीं आती, ठीक है। तो एग्जांपल बोल के मैं दिखा रहा हूँ कि 120% सेलिंग प्राइस कब आता है। 120% सेलिंग प्राइस तब आता है जब प्रॉफिट 20% होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 110% सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब लाभ 10% का होगा। 105% सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब लाभ 5% का होगा। तो अब एक क्वेश्चन उठता है 106 सही 2/3% सेलिंग प्राइस कब आएगा, जब लाभ 6 सही 2/3% का होगा। यानी आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 106 सही 2/3% में से 100 लेस करना है, तो ये आएगा 6 सही 2/3% बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लाभ होगा 6 सही 2/3%। बिल्कुल इसी की तर्ज पर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं प्लीज। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पर, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता है, यदि उसने 10% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 25% का बट्टा देगा तो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों 75%, ठीक है। और प्रॉफिट है 25% का, तो 25% प्रॉफिट पर हमेशा सेलिंग प्राइस होता है 125%, तो इसके सामने 125% लिख देंगे। और 10% का बट्टा देगा तो सेलिंग प्राइस होगा 90%। अब क्वेश्चन बना ये कि 75% की वैल्यू बराबर है 125 के, तो 90% की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 125 इंटू में 90 और अपॉन में 75। 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 30 बार, ये हो जाएगा 150। अभी उत्तर नहीं आया बच्चों, 150% एसपी कब आता है, ये सवाल है। 150% एसपी कब आता है बच्चों, 150% एसपी तब आता है जब लाभ 50% का होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है प्रॉफिट कितना होगा, 50% का होगा। चलिए इसके जैसा भी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए विद्यार्थी, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अंकित मूल्य को 10% का बट्टा देगा और 20% प्रॉफिट होगा, यदि वह बट्टा जो है 25% का दे तो उसे लाभ कितने परसेंट का होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 10% का वो बट्टा दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90% सेलिंग प्राइस, ये लीजिए। और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, तो 120% कितना आसान चल रहा है, ठीक है, 120 हो गया। और 25% बट्टा देगा तो 75% सेलिंग प्राइस, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 120 इंटू 75 अपॉन 90, 0 से 0 काट देंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 से काट देंगे 25, 25 होगा बच्चों कितना 100। अब 100 सेलिंग प्राइस कब आता है, 100 सेलिंग प्राइस तब आता है जब प्रॉफिट होता है 0%, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 100 बराबर 0%। तो 100% सेलिंग प्राइस तभी होता है जब प्रॉफिट होता है 0%। तो एक टाइप के एक जैसे क्वेश्चन, एक मैंने तुम्हें 3 करा दिए हैं, बुक में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, बुक में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी वस्तुओं पर 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो है मतलब ये थॉट है कि बच्चों को ये वाला क्वेश्चन मैं शॉर्टकट से ना सिखा करके एक सूत्र से सिखाऊं। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जब 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं तो बच्चा 4 मेथड सीखने से अच्छा ये है कि आप लोग एक सूत्र याद कर लें, और ये चारों के चारों सवाल जो है उस सूत्र से हो जाएंगे, आपको 4 अलग अलग मेथड सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये फॉर्मूला एग्जाम में कई बार पूछ भी रखा है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करना ज्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है सीपी बराबर एलपी इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में स्टूडेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले का यूज कब करना है ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ये 4 चीजें आ जाए, 4 चीजों का जिक्र हो, 4 चीजें कौन कौन सी हैं, सीपी एलपी डिस्काउंट और प्रॉफिट, ठीक है, 4 चीजें कौन कौन सी दोबारा बता रहा हूं, माइंड में इसको लॉक कर दो, सीपी एलपी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। जब भी क्वेश्चन में इन 4 चीजों का जिक्र हो तुरंत इस फॉर्मूले को लगा दो, आपका आंसर वो सटीक आएगा। और 4 में से क्या करेगा, 4 में से वो 3 चीजें देगा और चौथी चीज वो आपके लिए छोड़ देगा, एक चीज मिस कर देगा, क्योंकि चारों की चारों चीजें देगा तो क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो 4 में से वो 3 चीजें देगा और एक चीज आपके लिए वो छोड़ देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है, तो मतलब सीपी फाइंड करना है, एलपी की जगह ये लिख देंगे हम लोग 1200, यहाँ पे 1200 हो जाएगा बच्चों इनटू 100 माइनस जहाँ डिस्काउंट लिखा वहां पे लिख देंगे 20 बच्चों, और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लिख देंगे हम लोग कितना, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा 20%, और बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 1200 × 80 बटे में हो जाएगा 120, इसे काट दोगे 10 बार, सीधा आंसर हमारा 800। और शॉर्टकट से करने में और सूत्र ही करने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक लाइन का फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बस, ठीक है। अगर हम शॉर्टकट से करते हैं तो सूत्र नहीं लिखेंगे, और शॉर्टकट से करते हैं सूत्र नहीं लिखेंगे, और अगर हम सूत्र से करते हैं तो सूत्र लिखना पड़ेगा, बस इसी लाइन का फर्क पड़ता है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी 4 टेंशनें कम हो जाती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि एक व्यापारी वस्तुओं पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपये हो तो वस्तु का हमें अंकित मूल्य बताना है। इस बार आपसे अंकित मूल्य बताना है, क्रय मूल्य दे दिया है, तो क्रय मूल्य की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1800। सबसे बढ़िया इस फॉर्मूले की बात यही है बच्चों कि यहाँ पर जो है आपको 4 अलग अलग मेथड नहीं अपनाने हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक सूत्र छोटा सा याद करना है और 4 तरह के सवाल आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई ये लीजिए क्वेश्चन हमारा सोल्व, 0 से 0 काट सकते हो, 9 × 18 गुना इसकी यहां पे कर दो तो एलपी हो जाएगा 20 × 110, ये जाएगा 2200 2200।
ठीक है। अब देखिए इसमें डिस्काउंट के अंदर हमने जो है लगभग 6 टाइप आपको पढ़ाए हैं। कोई सी किताब भी हो, चाहे वो किरण की हो, राकेश यादव हो, आर एस अग्रवाल हो, एस डी यादव हो, महेश मिश्रा हो या अदर, ठीक है, तो आपको सभी किताबों के अंदर 90% क्वेश्चन इन 6 टाइप से रिलेटेड ही मिलेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस है मुझे। और बचेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन, जो ऐसा नहीं कि जो थोड़े बहुत बचेंगे वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उनका लिंक इन क्वेश्चन से ही होगा, लेकिन लैंग्वेज घुमा रखी होगी। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे होंगे, कई क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल रखी होगी, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया, आप पहले ये पढ़िए 6 के 6 टाइप, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आज PDF दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और सेकंड है, जो कोई दिक्कत आती है आपको तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और बस ये हमारा डिस्काउंट फिनिश हुआ, आप लोगों से लास्ट में अंत में यही कहना चाहेंगे, अगला टॉपिक हम अगली कल दे देंगे, अपलोड कर देंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करो, और आपके कमेंट आजकल कुछ कम आ रहे हैं तो कमेंट भी करिएगा, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो बस इसी के साथ हम लोग आज अलविदा कहते हैं, थैंक्स दोस्तों।